स्टूडेंट्स, आई एम दुर्गाराम, संस्कृत टीचर, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सीयू। आज अपन उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, यानी कि उच्चारण स्थान, क का उच्चारण स्थान कहां से होता है, ख का उच्चारण स्थान कहां से होता है, व का उच्चारण स्थान कहां से होता है, बाकी सब जितने भी उच्चारण स्थान है अपन स्पष्ट बोलना चाहते हैं तो अपन को उच्चारण स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पहला उच्चारण स्थान है अकु विसर्जनस्य कंठः, अकु विसर्जनस्य कंठः, अ कु वि स र ज न स्य कंठः, कंठ यानी कि कंठ से कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं, तो अ आ और क वर्ग पूरा, क वर्ग पूरा और ह और विसर्ग, इन शब्द का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अकु विसर्जन से कंठ, अ आ क वर्ग पूरा, ह और विसर्ग। उसके बाद में दूसरा आता है इचु यशाना तालु, तालु से अपने जीभ टकराते हैं तो तालु से कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं, ई ई च वर्ग पूरा, इचु यस स संगम वाला, ये उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो ई चू य सा ना, इसु य सा ना तालु, यानी कि तालु से उच्चारण होने वाले ई ई च वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा इसु य सा ना और य और स संगम वाला, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है। अगला नेक्स्ट, अकु विसर्जन से कंठ हेतु यसाना तालु लि तुत्साना दंता, लि तुत्साना दंता, लि तुल सा ना म, लि तुत्साना दंता, यानी कि दांतों से अपने जीभ टकराती है तो कौन कौन से शब्दों का यानी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो लि क वर्ग पूरा, त वर्ग पूरा लि तुत्साना, स लि तुलसाना, लि तुलसाना दंता, स और न का, ये दांत से होता है। उसके बाद में चौथा है लि तुलसाना दंता के बाद ऋतु रसाना मुर्दा, ऋतु रसाना मुर्दा, रि तु रसा ना म, ऋतु रसाना मुर्दा, यानी कि मुर्दा अपने तालु और दंतों के बीच में जो मुर्दा है वहां से उच्चारण स्थान होने वाले ऋतु रसाना मुर्दा। तो एक रि का त वर्ग पूरा, र रि और त वर्ग, ऋतु रसाना और र, ऋतु रसाना र और स कौन सा आएगा, समकोण वाला, एक उच्चारण एक वर्णों का उच्चारण स्थान मुर्दा से होता है, जब अपने जीभ मुर्दा से टकराती है तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। ऋतु रसाना मुर्दा, ऋतु रसाना दंता, उपोक मध्याना ओष्ठ, पांचवा है उपोक मध्याना ओष्ठ, यानी कि होठ जब अपने मिलते हैं तो होठों से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो उ उ और प वर्ग पूरा, उपोक मध्याना ओष्ठ, उप प मध्याना, उपोक मध्याना ओष्ठ, 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 तो उ उ और पावर, पावर पूरा, उपोक मध्याना ओष्ठ और वकारस्य दंतोष्ठम, छठा है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम, दंतो दंतौ स्तम, यानी कि व का उच्चारण स्थान सिर्फ व का, दंतों और होठ दोनों से मिलने पर व का उच्चारण स्थान होता है। आयले तो कंठ तालु, और कंठ और तालु से कौन से उच्चारण स्थान होते ए और ए, तो सातवां है आयले तो, ए दय आयले तो, आयले तो कंठ तालु, कंठ तालु, आयले तो कंठ तालु, यानी कि ए और आई
का अवसान स्थान कल्प और तालु से होता है। ओदे तो खंड स्थान आठवां है ओदे तो ओ दैतो ओ दैतो कंठो स्थान कंठो स्थम यानी कि ओ और औ का अवसान स्थान कंठोस्थम से होता है। नमग्रणाम नासिका यानी कि नमा है नमग्रणाम यानी कि न म ण नमन ना और म जो स्पर्श शब्द के पंचम वर्ण है उन सभी का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। नमग्रणाम नासिका ना सी का यानी कि नासिका से उच्चारण होने वाले एक तो ण और एक ये न एक म एक न और पांच है ना कख कण तस तदन तत तदन तत तदन प प प म तो ये न आ गया और ये न आ गया एक तत तदन और एक कौन सा आ गया पांच पांचों में से ये रह गया ये ञ। इन सभी का उच्चारण स्थान ये नासिका से भी होता है और पहले तो दो उच्चारण स्थान तो हर एक स्पर्श शब्द है 25 अपने कख कण चस तदन टठ टडण तथ तदन पप पप म हां हां उसमें हां ये ना एक ना हो गया एक इसमें ना रह गया एक ना रह गया। इन सभी शब्दों के उच्चारण स्थान नासिका से होता है। थैंक यू। होमवर्क सी यू अगेन टुमारो।